हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसको हम NPC से रिप्रेजेंट करते हैं। N का मतलब होता है, N यहाँ पर जो है वो नॉर्मल, P फॉर प्रोबेबिलिटी, C फॉर कर्व। इसको कहीं कहीं पर नॉर्मल कर्व भी बोला जाता है। इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये होती है कि जो NPC होता है वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ इसके दोनों पार्ट्स एकदम बराबर हों। यानी अगर हम इस कर्व को यहाँ से इन केस उठाकर ऐसे पलट दें तो ये इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा। कोई भी चीज़ सिमेट्रिकल, ये इस तरह से सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ सर्किल देखें और सर्किल को कहें ये सिमेट्रिकल, तो एक डॉट यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक। अगर ये इसका कोई भी पार्ट इधर उधर ना निकला रहे तो ये सिमेट्रिकल हुआ है। ऐसे ही ट्रायंगल को हम देखें तो हम अगर इसको ऐसे फोल्ड करें तो भी सिमेट्रिकल है, ऐसे फोल्ड करें तो भी सिमेट्रिकल है। इन केस हम जो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की कर दें, तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल होगा, और अगर हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। बट अगर एक भी लाइन हम ऐसी ड्रॉ कर सकें जहाँ से कोई भी चीज़ को अगर हम फोल्ड कर दें तो वो बिल्कुल एकदम एक दूसरे को ढक ले, कहीं भी कुछ निकला ना रहे, वो तो सिमेट्रिकल होगा। जैसे हम ये बना दें, इसको हम कहीं से भी फोल्ड करें, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे का साइन निकला रहेगा, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसका जो पहला फीचर या कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि वो सिमेट्रिकल है। दूसरा इसका जो है ये यूनी मॉडल है। यूनी मॉडल का मतलब होता है कि यूनी मॉडल जो मॉडल वर्ल्ड बनाए हैं वो यहाँ पर मोड से बना हुआ है। जब कोई भी हमारे पास ऐसा डेटा हो जिसमें से सिर्फ एक ही मोड हो, मोड जो, और हमें पता है मोड क्या होता है, किसी भी डेटा की जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो मोड होती है। और मोड हम पीकने से भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई भी कर्व हमारा है उसमें ऐसे यहाँ पर यानी इस पर तीन मोड होंगे, अगर कोई हमारा कर्व ऐसा है जिसमें ये है तो यहाँ पर दो मोड होंगे, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यूज हमारी दो आ रही हैं। मगर जो हमारा NPC होता है वो यूनी मॉडल है। यूनी मॉडल का मतलब सिर्फ एक ही मोड होगा, उसमें एक मोड होगा, यानी इसका मतलब जो इसका ये ऊंचाई दिख रही है आपको, नोक दिख रही है, ये कितनी होगी, एक होगी यूनी मॉडल का मतलब। तो इसकी जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो हमारा NPC होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मोड होता है। उसके बाद जो इसकी थर्ड फीचर है वो ये है कि इसका जो मीन और जो मीडियन और जो मोड की वैल्यू, अगर किसी भी हम सीरीज़ में देखें और वो तीनों इक्वल आए, यानी सबसे पहले तो यहाँ ये इसका मोड शो कर रहा है, और अगर हम यहाँ पर मीन कैलकुलेट करें और अगर हम इसका मीडियन निकालें या मोड निकालें तो इन तीनों की वैल्यू बराबर आएगी, या हम इसे ये कह सकते हैं कि मीन, मीडियन, मोड आर कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं। अगर कोई एक ही पॉइंट पे निकलेगा मीन, मीडियन, मोड, इसका मतलब ये क्या है, ये NPC कर्व की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसका ये भी मतलब होता है, अगर कहीं पर मीन इजिकल्स टू मीडियन इजिकल्स टू मोड हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें स्किवनेस जो है वो ज़ीरो है। यानी NPC जो होता है उसकी जो स्किवनेस होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो। यानी अगर स्किवनेस ज़ीरो है तभी वो सिमेट्रिकल होगा। अगर ज़रा सा भी कर्व में स्किवनेस है, सपोज ये हमारा कर्व ऐसा हो, तो ये क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड शो कर रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ से उठा के इसको ढकेंगे तो देखिए ये टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है बराबर, इसका एरिया एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ये, इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। और ये सिमेट्रिकल नहीं है पहली बात, और दूसरा ये क्या है, ये स्क्यूड है। अगर हम इसको देखें तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ऐसे ही अगर हम इसे देखें तो ये निगेटिवली स्क्यूड है। और अगर हम इसको देखें तो NPC कर्व में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जिसमें भी स्टैट्स है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें ये NPC में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट के पर्पज़ से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MBA, MCOM, MA इन सब में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोई भी रिसर्च करने जा रहा है उसमें NPC का बहुत यूज़ है। हम बार बार देखते हैं कि डेटा सिमेट्रिकल है हमारा तो कौन सा टेस्ट लगेगा, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल है। तो इसकी हमने जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वो ये पढ़ी कि मीन, मीडियन, मोड कोइंसाइड, एक ही पॉइंट पर आते हैं। इसका मतलब फिर इसका नेक्स्ट है कि जो इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट होता है वो हमेशा इसके सेंटर पे होता है। मैक्सिमम ऑर्डिनेट सेंटर पे होता है और उसको हम Y0 से डिनोट करते हैं। यानी Y0 जो होगा वो जो बेस लाइन होगा उसके मिड में आता है, ठीक है। और उसके बाद
मिड का मतलब ये जो कोई भी लाइन होगी इसके बीच में ही आएगी, अगर बीच में वैल्यू आ रही है हमारी हाईएस्ट मैक्सिमम ऑर्डिनेट की इसका मतलब ये एनपीसी है, अदरवाइज ये एनपीसी नहीं होगा। उसका जो फिर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है वो असिम्प्टोटिक होता है। असिम्प्टोटिक अगर आप देखें स्पेलिंग इसकी ASYMPTOTIC असिम्प्टोटिक, इसका ये मतलब हुआ जो हमारा एनपीसी है वो कभी भी इस, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक्स एक्सिस है, कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अगर ये कट नहीं करेगा तो ये बहुत आगे तक इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। और हमें पता है अगर हमने कभी भी नंबर लाइन पढ़ी थी कि हमारे राइट हैंड साइड पे जितनी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो निगेटिव होती हैं। तो ये कहाँ तक जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और ये वाली टेल कहाँ तक जाएगी इसकी, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। अगर हमारे एन पी सी यहाँ इधर भी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, यह असिम्प्टोटिक है हमारा कर्व। तो एन पी सी की जो नेक्स्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी वो ये पढ़ी कि असिम्प्टोटिक होता है। उसके बाद ये इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो कर्व की हाइट होती है ये डिक्लाइन भी असिमेट्रिकली करती है। सिमेट्रिकली का मतलब जिस रेट से ये यहाँ बढ़ रही होगी उसी रेट से आगे घट रही होगी। अगर हमें कोई भी एक्स की वैल्यू निकालनी है एन पी सी पे तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू, यहाँ पर म्यू जो होता है वो पॉपुलेशन मेन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस या माइनस करें हम के, के कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। यानी अगर हमें पॉजिटिव एरिया में पता है कि प्लस के करने से या कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस करने से हम कहाँ पर कितना एरिया हो रहा है, तो हम अगर उसी वैल्यू को माइनस कर दें तो उतना ही इधर भी जाएगा। यानी ये दोनों पार्ट्स में हमारा सिमेट्रिकली डिक्लाइन करता है कर्व की जो हाइट होती है। हम इसको इस तरह से भी अगर हम देखें तो हम इस कर्व को की ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि हमारा कर्व मान लीजिए यहाँ पर ये इसका मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हो रहे हैं तो ये म्यू की वैल्यू है। तो अगर हम इधर यहाँ पर निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इधर जाके क्या करेंगे हम अपने ऑटोमेटिकली उतना ही स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस होगा और यहाँ पर हमारी निकल आएगी वैल्यू। तो ये जिस रेट से बढ़ती है इसकी हाइट उसी रेट से कम भी होती है, तो हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, कि पॉइंट हमारा एन पी सी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स क्या है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स जो होता है किसी भी कर्व में वो ये होता है कि जहाँ पर भी जो कर्व है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे यहाँ तक देखिए आप कर्व का कैसा शेप कैसा है, फिर यहाँ से ऐसा हो गया, फिर और ऊपर जाके चेंज हो गया, तो जो जिस पॉइंट से कर्व अपना शेप चेंज करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएंगे, इन्फ्लक्स पॉइंट कहलाते हैं। इन्फ्लक्स पॉइंट INFLUX पॉइंट, इन्फ्लक्स पॉइंट एन पी सी का कहाँ कहाँ होगा, जहाँ से वो कर्व अपना शेप चेंज करेगा, और जहाँ से भी ये अपना शेप चेंज करता है हर इन्फ्लक्स पॉइंट जो होता है वो वन स्टैंडर्ड डेविएशन से होता है, प्लस और माइनस हो सकता है, क्योंकि इधर सारी पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे हमारी सारी वैल्यूज पॉजिटिव शो हो रही है, इधर वाल सारी वैल्यूज हमारी नेगेटिव शो हो रही है। तो क्या है, वन और प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन और माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में इन्फ्लक्स पॉइंट होगा, और इसके बीच का जो एरिया होता है वो भी फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक इन्फ्लक्स पॉइंट हमें यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ दिख रहा है, तीसरा यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें तो ये कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे वन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इधर लिखेंगे माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर सेम एरिया इधर होगा तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर यहाँ प्लस यहाँ पे वन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वहाँ यहाँ का एरिया भी वन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, क्योंकि ये हमेशा वन वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में गैप होता है, तो यहाँ टू स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी यहाँ हम यहाँ से जीरो से मिलाएंगे अगर तो इसका एरिया, तो यहाँ सेम दूरी पर हमें यहाँ मिलेगा प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये होता है कि जो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लक्स होता है वो प्लस वन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में होता है, और ये एरिया जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इसका परसेंटेज, इसका यह है कि जो दो इन्फ्लक्स पॉइंट है यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इस हमारा जो एरिया होगा वो फिक्स रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में एरिया हमारा फिक्स्ड होगा, इससे इससे, तो इन्फ्लक्स पॉइंट के जो बीच का एरिया होता है वो हमेशा फिक्स होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो नॉर्मल कर्व होता है या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो एक स्मूथ कर्व होता है,
स्मूथ कर्व का मतलब होता है ये मॉडरेटली पीक्ड होता है, यानी कोई भी यहाँ पे ऐसे जैसे हम लोग हिस्टोग्राम बनाते हैं उसमें हिस्टोग्राम कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो अगर हम इसके मिड मिड पॉइंट लेके ऐसे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है मगर ये क्या है, स्मूथ नहीं है। मगर जब हम इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं तो ये एक स्मूथ कर्व होता है, और स्मूथ कर्व में जो कोर्टोसिस होता है हमारा, कोर्टोसिस अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे या अगली आगे की वीडियोस, तो हम कोर्टोसिस भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम बताएंगे कि कोर्टोसिस क्या होती है। फिलहाल हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कोर्टोसिस की वैल्यू होती है वो होती है 263। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें उसके क्रक्स पता होने चाहिए, एग्जैक्ट टर्म पता होने चाहिए। तो फिलहाल उसके लिए जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होती है वो एक स्मूथ कर्व है, अगर स्मूथ कर्व होगी तो उसमें कोर्टिसिस की वैल्यू कितनी होगी, 263। उसके बाद ये एक बाइलेट्रल कर्व है। बाइलेट्रल कर्व का मतलब ये है कि अगर हम इस कर्व के दो बराबर पार्ट्स करें तो जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू होगी वो 50% है और इधर भी हमारी वैल्यू 50% है, यानी 50% राइट हैंड साइड और मिड पॉइंट से और 50% लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी। तो हमने देखा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसे हम जो दूसरा कहते हैं इसे बेल शेप्ड कर्व भी कहते हैं। आप देखिए तो ये एक बेल बनी हुई है, बेल शेप्ड कर्व कहते हैं, या इसको इन्वर्टेड यू शेप कर्व भी कहेंगे, कि ये थोड़ा थोड़ा हमने यू को थोड़ा सा पलट दी है और बेल शेप कर्व है। तो जो आज हमने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किया वो ये था कि हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन है वो सिमेट्रिकल है, यूनिमॉडल है, मेन मीडियन मोड एंड मेन मीडियन एंड मोड कोइंसाइड होता है इसका, मैक्सिमम ऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा बीच में ही होता है, ये एक असिम्प्टोटिक एक्स एक्सिस के सिम्प्टोटिक होता है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के जो से जो इसकी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, प्लस और माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगी। उसके बाद हाइट जो होती है वो कर्व की सिमेट्रिकली डिक्लाइन करती है, और उसके बाद इन्फ्लक्स पॉइंट जो होता है प्लस वन और माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच होता है, टोटल परसेंटेज एरिया जो होता है टू इन्फ्लक्स के बीच में वो फिक्स होता है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उसमें हम NPC के एरिया की बात करेंगे कि एक वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच और प्लस वन माइनस वन के बीच कितना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में एरिया, या टू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन और माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में कितना होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए